प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार समिति के तत्वाधान में हरिओम नगर स्थित वैष्णवी लान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है कि भ्रष्टाचार मुक्त देश बने और यह तब ही संभव हो पाएगा जब सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचेगा, जिसको देखते हुए हमारी संस्था पूरे देश में प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना का प्रचार प्रसार कर रही है, जिससे लोग जागरूक हो सकें और योजनाओं के बारे में जान सकें और उन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच सके, तभी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील किया कि प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में जन जन को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी 400 से ज्यादा सीटें निकालेगी और फिर देश में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान समिति के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रधानमंत्री मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने कहा, हम जीवन में कोई कार्य करते हैं, सफलता तभी मिलती है जब उस कार्य के बारे में मेरा पूरा अनुभव एक घंटा बैठने का अवसर मिला। उस दिन मेरा ब्रेन इतना वास्ट हो गया था, इनका तेज, इनकी वाणी जो अंदर से काम करता है उसकी वाणी में तेज होता है। जी के साथ साथ मुझे उस कुल को, मैं उस कुल को, उस माँ को, उस जंगली को करणी हूँ, उसके पैरों में नतमस्तक हूँ जिनके घर मोदी जैसे लाल पैदा हुए। आज ऐसे महान मोदी प्रधानमंत्री जी के यशस्वी भाई और पूरे देश का भ्रमण कर मुझे लगता है कि सुकून तो हो चुका है, हम आगे बढ़ेंगे। वंदे 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 मंचस्थ विराजमान मेरे साथी कार्यकर, सामने बैठे मेरी मातृशक्ति वायु, गोरखपुर आया उसके पहले जितने फोन हुए मेरे साथ बात हुई, मुझे जो बताया गया उसमें से शायद 1% भी मैंने रोड पे देखा नहीं। ये हमारी कल्पना के पर हो गए। मैं तो मानता था कि इतने फोन पे बातें होती हैं तो क्या गोरखनाथ सजा होगा, कितने बैनर लगे होते, साथ साथ 8-8 दिन का काम बताते हैं, मुझे तो कहीं दिखता ही नहीं। खैर जो कुछ हुआ और फिर से जब कोई पण कार्यक्रम हमें रखने की कोशिश करनी है तो सबको साथ लेकर चलना है। इतना मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपको सलाह देता हूं। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी और अब हम इसके लिए क्या करने वाले हैं, ये आज हमारा शिक्षा वर्ग है। शिक्षा वर्ग में उपस्थित सभी मेरे कार्यकर माताएं भाइयों को सादर प्रणाम करता हूं और आपके दिमाग में एक बात होगी, गोरखपुर है गोरखपुर, हाँ हाँ, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 135 करोड़ लोगों के प्रधान सेवा और उनके दिल में टॉयलेट बनाने का या आयुष्मान भारत उज्ज्वला योजना जनधन अकाउंट मुद्रा
stand alone. प्रधानमंत्री के दिमाग में ऐसे सोच क्यों आती है छोटी छोटी, बड़ी आनी चाहिए ना। कि रिलायंस को हटा देना चाहिए, उसकी जगह बड़ी फैक्ट्री को बाहर से बुलानी चाहिए, टाटा को दबा देना चाहिए, उसके सामने बजाज को खड़ा करना चाहिए। लेकिन जो इंसान जमीन के साथ जुड़ा है उसका दिमाग कितना विकसित होता है, जमीन के साथ जुड़ी हुई बाबत है उसको स्पर्श करती है। हम छोटे थे, हेलो, हमारी माता अगल बगल में कचरा पोसा करके आती थी, फिर बच्चों के लिए खाना पकाती थी, तो चूल्हे में लकड़ियां डालती थी, गोबर के और थेप्पे बना के रखती थी, साल के वो डालती थी और इससे धुआं होता था, पीछे जिसके कारण माता जी की आंख में से पानी आ रहा था, आंसू आ रहे थे। ये आंसू नरेंद्र भाई ने नजदीकी से देखे, जब मौका मिला देश की 135 करोड़ जनता में जितनी मेरी माताएं हैं उनके आंसू पहुंचने का काम उन्होंने किया और उज्ज्वला योजना लाई। ये जन्म के साथ मुंह में सोने की चमकी लेकर जन्मते हैं ना, उनको पता नहीं होता उनको गन्ने में मिठास कैसे आई वो भी पता नहीं होता। कहा जाता है बाघ मच्छंदर गोरख आया, ये गोरख का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। आप इतिहास देख लीजिए, बाघ मच्छंदर गोरख आया। हम जब छोटे थे सर्दी जुकाम होता था, बुखार आता था, तो माता तुलसी का और काली मिर्च डाल के कावा बना के पिला दी थी, गुड़ डाल के, क्योंकि दवा खाने जाने के पैसे नहीं। खड़े उतरेंगे तो हाथ जोड़ के बोलो भारत माता की। और हम सब के अंदर एक बहुत बड़ी उत्पीड़ ना करें, हम अभी तो अभ्यास वर्ग चला रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को शिक्षा दे रहे हैं कि हमें कैसे काम करना है। नरेंद्र भाई का उद्देश्य है कि मुझे भ्रष्टाचार मुक्त देश को बनाना है, तो भ्रष्टाचार देश मुक्त तभी बन सकता है जब जनता की आकांक्षाओं का एक अंश भी जनता तक पहुंचेगा, सरकार की योजनाओं का। जब तक जनता के पास सरकार की योजनाओं का ज्ञान भी नहीं होगा तो देश भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकेगा। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान चला रहे हैं और आने वाले दिनों में हम उसमें सक्सेस हो जाएंगे और 2024 के चुनाव में हम 22 करोड़ कार्यकर्ताओं के साथ अब की बार नरेंद्र मोदी 400 पार ये नारा हम प्रस्तावित करके रहेंगे। कोरोना तो एक कुदरती आपत्ति है, ये न तो नरेंद्र भाई लाए हैं न राहुल गांधी लाया है, लेकिन मैं इतना चौकस कहता हूँ कि
कि राहुल गांधी जो कुछ बोले कि सरकार विफल गई, वो गई वो गई, लेकिन हिंदुस्तान का जन जन के दिल की आवाज़ बोलती है कि लॉकडाउन समय पे आया और देश में मृत्यु दर बहुत कम रहा, ये सरकार की उपलब्धि का एक निशाना है। विरोध पक्ष को तो बोलने का है, वो बोलता रहेगा। गोरखपुर आगमन हुआ, कुछ कहना चाहेंगे? गोरखपुर आगमन में मेरा शिक्षा वर्ग था, उसमें आया हूँ और शिक्षा दे रहा हूँ। बिहार गया ही नहीं हूँ तो क्या जवाब दूंगा। सरकार तो हम NDA की बने उसकी अभिलाषा रखते हैं, फिर मतदारों को जो पसंद आए वो